भारत में हर एमएलए को अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक फंड दिया जाता है, लेकिन एमएलए इस पैसे का सही इस्तेमाल करने के बजाय वो अपने फायदे के लिए करता है। तो चलो जान लेते हैं कि एक करप्ट एमएलए इस डेवलपमेंट फंड का मिसयूज कैसे करता है। देखो, भारत में हर एमएलए को अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक फंड दिया जाता है और इसे सरकारी फंड कहते हैं। और इस फंड का मेन उद्देश्य होता है कि एमएलए के एरिया में जो जरूरी सुविधाएं हैं और जो बुनियादी ढांचा है वो उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन हम अगर ये कहें कि एमएलए इस पैसे का सही इस्तेमाल करने के बजाय वो अपने फायदे के लिए करता है, अपने निजी फायदे के लिए करता है, तो चलो जान लेते हैं कि एक करप्ट एमएलए इस डेवलपमेंट फंड का मिसयूज कैसे करता है। तो देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज एमएलए एलडीएफ, मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। तो देखो, भारत में हर कोई एमएलए को एलडीएफ दिया जाता है, मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, और यह फंड उनके क्षेत्र में विकास कार्य के लिए होता है, जैसे सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूलों की मरम्मत कराना और अन्य बुनियादी ढांचा तैयार करना इस फंड के जरिए। लेकिन यह जो पैसा होता है ना, ये जनता के लिए होता है, लेकिन कुछ एमएलए इसको अपनी जेब में डाल लेते हैं। और क्या आपको पता है कि हर एमएलए को हर साल 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो मिनिमम एलडीएफ मिलता है। मैं यहाँ मिनिमम अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो 100-100 करोड़ तक जाता है। और इस फंड का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जनता की भलाई और विकास के लिए हो। लेकिन कुछ एमएलए ने इससे पैसे कमाने के तरीके ढूंढ चुके हैं, हम उस तरीकों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन पहले ये जान लो कि इस एलडीएफ का मिसयूज कैसे होता है, हाउ टू मिसयूज एमएलए एलडीएफ। तो जहां कुछ एमएलए ऐसे है कि इस फंड को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ एमएलए ऐसे है कि इस एलडीएफ को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसे फंड से कमीशन लेना, फर्जी बिल बनवाना, घटिया काम करवाना और फर्जी पॉलिसीज दिखाना। तो जहां जनता को सड़कें चाहिए वहां बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी हो जाती है एमएलए की। 2021 में भारत में बहुत सारे एमएलए पर फंड्स के मिसयूज करने के आरोप भी लगे हैं, जिसमें करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा सामने आया है। अब जान लेते हैं कि वो कौन से तरीके जो एमएलए इस फंड का मिसयूज करके कमीशन कमा लेते हैं। तो पहला नंबर है ठेकेदार से कमीशन लेना, मतलब टेकिंग कमीशंस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। जो विधायक रहते हैं ना, वो अपना पावर का मिसयूज करके ठेकेदार को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिलवा देते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट का एक ठेका दिलवा देंगे, और इस ठेके की जो कुल रकम रहती है, जो कुल लागत रहती है, उसमें से ये कमीशन ले लेते हैं उसी टाइम, मतलब काम कम और कमीशन ज्यादा। और जो कमीशन की जो रकम होती है वो कुल लागत की 5% से 20% के बीच में होती है। इसको ऐसे समझिए आप, मतलब 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है एक कॉन्ट्रैक्टर को, तो एमएलए को उसमें से 5% से 20% के बीच में मिलेगा, मतलब 5 करोड़ से 20 करोड़ तो ऑन द स्पॉट उसका कमीशन हो गया। बाद में जो बचा कुछ अमाउंट है 80 करोड़, वो डेवलपमेंट में लगेगा, लेकिन उसमें भी आधे सब कॉन्ट्रैक्टर्स खा जाते हैं, मतलब मिला जुला के बहुत ही कम बचता है डेवलपमेंट के लिए। 2023 में महाराष्ट्र के एक एमएलए को ऐसे ही पकड़ा गया था, जो सड़क परियोजना के टाइम में 10% कमीशन लेते हुए पकड़ा गया था। इस ठेके की कुल लागत 50 करोड़ थी और यह घोटाला उजागर होने के बाद बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया था महाराष्ट्र में। अब तरीका नंबर 2 क्या है, बिल में ज्यादा रकम दिखाना, मतलब शोइंग इन्फ्लेटेड अमाउंट्स इन द बिल। इसमें जो पॉलिसीज की जो असली लागत रहती है, इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में दिखा जाता है ऑन पेपर, ताकि जो ऊपर से जो पैसा आएगा उसको आपस में कॉन्ट्रैक्टर और एमएलए आपस में बांट ले। आप इसे एक एग्जांपल से समझिए कि एक सड़क को बनाने में 5 करोड़ रुपए लगे, तो बिल में 7 करोड़ दिखा देंगे, जो ऊपर का जो 2 करोड़ है एक एक करोड़ करके कॉन्ट्रैक्टर और एमएलए बांट लेंगे। तो जो असली काम है 5 करोड़ का, उसे दिखा दिया जाता है 10 करोड़ का या फिर 15 करोड़ का, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। 2019 की सीएजी रिपोर्ट, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, में खुलासा हुआ है कि कई राज्यों की पॉलिसीज की जो लागत है वो जानबूझकर इन्फ्लेटेड कर देते हैं, बढ़ाकर दिखा देते हैं, जिससे सरकारी खजानों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। देखो, बिल का हेरफेर करना बहुत आसान है, क्योंकि वो कागज पर सही चीज एकदम नहीं दर्शा सकते तुम, और जब तक के एक जांच नहीं होती है, जब तक एक कमेटी नहीं बैठती है, इन बिल्स को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 2022 में ऐसा ही एक केस सामने आया था कि एक एमएलए जो बिहार का था, उसने अस्पताल बनाने के लिए 1 करोड़ का अतिरिक्त बिल लगा दिया था, और जब बाद में ऑडिट कमेटी बैठी तो बाद में पता चला कि 1 करोड़ रुपए ज्यादा बना है, तो बाद में उस एमएलए पे फिर कार्रवाई भी हुई थी। तो मतलब जब तक ऑडिट कमेटी बैठ के सब कुछ वेरीफाई नहीं करेंगी, तब तक कुछ पता ही नहीं चलेगा। तरीका नंबर 3 है घटिया काम करवाना, मतलब गेटिंग लो क्वालिटी वर्क डन। अब ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर करते क्या है कि जो भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसमें कम से कम क्वालिटी वाला सामान लगाने का, जो पुअर क्वालिटी का सामान रहता है वो लगाने का
एक तो उनको बैक एंड पे भी पैसा बच जाता है और ऊपर से जो पैसा आता है उसमें से भी डिवाइड हो जाता है। और इसी कारण जो घटिया सामग्री से सामान बनता है वो सड़के और ब्रिज कॉलेप्स होते हैं इंडिया में, ये तो आम दिन आप देख ही रहे हो। तो घटिया काम का मतलब कि पैसा बर्बाद और जनता का अलग से नुकसान। और घटिया काम की वजह से कई बार पुल और इमारतें गिर जाती है जिससे कई जाने भी जा सकती है। 2023 में उत्तर प्रदेश के पुल गिरने के बाद एक जांच में पता चला कि उसके निर्माण में बहुत ही घटिया सामग्री यूज की गई थी और इस पुल गिरने से कई लोगों की जान भी गई थी। और इस बार इस विधायक पर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगे थे लेकिन उसके पहले कोई पकड़ने वाला नहीं था। तरीका नंबर 4 है फेक प्रोजेक्ट। कुछ विधायक और कॉन्ट्रेक्टर तो ऐसा भी करते हैं कि फेक प्रोजेक्ट दिखा के अपना अमाउंट ले लेते हैं सरकार, लेकिन यह जो वैकेंसीज रहती है ना वो सिर्फ कागज पे रहती है, एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन वैकेंसीज के नाम पे ऊपर से फंड आ जाता है और आपस में कॉन्ट्रेक्टर और एमएलए से बांट लेते हैं। मतलब कागज पर बनती है सड़कें और जेबों में रहता है पैसा, किसके आपको पता है। 2018 की एक रिपोर्ट में पता चला था कि भारत का एक राज्य है उसमें 1,000 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ जो कि सिर्फ कागज पे था, एक्चुअल में कुछ भी काम नहीं हुआ था और फर्जी वैकेंसीज के नाम पे ये पैसा हड़प लिया गया। और इस तरह की जो फर्जी पॉलिसीज है इसमें जनता का तो कोई भला नहीं होता लेकिन इन एमएलए और कॉन्ट्रेक्टर्स का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन देश का विकास जरूर रुक जाता है। 2023 में कर्नाटका के एमएलए पे इल्जाम लगा था कि स्कूल के लिए इन्होंने 4 करोड़ रुपए ले लिए थे और बाद में पता चला कि ये तो फर्जी पॉलिसी थी, स्कूल कहीं से कहीं तक बना ही नहीं था। और जब बाद में जब गहराई से जांच की गई तो और भी पता चला कि इस एमएलए ने और भी फर्जी वैकेंसीज दिखा के, फर्जी पॉलिसीज दिखा के और भी पैसा ऐंठा है। तो अब जान लेते हैं कि इस मिसयूज फंड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। देखो फंड के गलत तरीके का यूज होने से क्या होता है कि जनता के पैसे का एक तो दुरुपयोग होता है और जरूरी विकास कार्य अधूरे रह जाते हैं। इस भ्रष्टाचार का सीधा असर जनता के ऊपर पड़ता है। टूटी सड़कों के कारण दुर्घटनाएं होती है, खराब स्वास्थ्य केंद्र के कारण बीमारियां फैलती है और शिक्षा में कमी आती है। तो मतलब जहां होना चाहिए विकास वहां फैलता है भ्रष्टाचार। भारत में हर साल 1,000 करोड़ रुपए का विकास फंड सिर्फ भ्रष्टाचार में चला जाता है, सिर्फ करप्शन में चला जाता है। कई बार तो ये होता है कि इन करप्शन की वजह से एक तो सरकार बदल जाती है, नेताओं को जेल तक जाना पड़ता है और जनता का भरोसा टूट जाता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब तक के सख्त कदम नहीं उठाए जाए तब तक के रेजुलेशन सामने आता भी नहीं। हाल ही में कई राज्यों में इस करप्शन का पर्दाफाश भी हुआ है। 2023 में ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में कई एमएलए पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है जिसमें करोड़ों का हेरफेर सामने आया है। और इन मामलों ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि इस भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाए और ऐसे क्या ठोस कदम उठाए। जब तक व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी विकास हमेशा अधूरा ही रहेगा। और 2023 के भारत के कई हिस्सों में 10 से ज्यादा एमएलए पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इसके लिए जरूरी है कि एलडीएफ फंड के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी रखी जाए और हर प्रोजेक्ट की समय समय पर जांच की जाए। टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी से इसे रोकने के लिए मदद मिल सकती है। हाल ही में मध्य प्रदेश में 2023 के एक एमएलए द्वारा विकास फंड को मिसयूज करने का आरोप लगा था तो इस पे एक कमेटी बैठी और पाया गया कि यहां पर भी जो पॉलिसी थी वो सिर्फ कागज पे ही थी, एक्चुअल में कुछ काम हुआ ही नहीं, लेकिन कार्रवाई ऐसी चलती रहती है और नतीजा कुछ निकलता नहीं है। लेकिन इस भ्रष्टाचार को रोकने में जनता की एक बहुत बड़ी भूमिका भी है। आजकल कई सरकारी पोर्टल्स पर जो फंड का जो रहता है उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। जनता को अपने प्यारे एमएलए से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और कहीं भी कोई अगर गड़बड़ी नजर आए तो उसकी आवाज उठानी चाहिए और वो चीज सही तक के पहुंचनी चाहिए। हम जागरूक हो गए तभी तो हमारा पैसा सही जगह खर्च होगा। और भारत सरकार ने इन सभी चीजों को ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए MPLADS पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ जनता भी अब खुद जाकर इन पॉलिसीज को आराम से पढ़ सकती है और एलोकेशन ऑफ फंड देख सकती है। अगर हर कोई अगर इस टाइप से पॉलिसीज अगर आए और जनता के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे तो हर कोई इस चीज को पढ़ सकता है और देख सकता है। इससे करप्शन को रोकने में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। जब सब लोग एक साथ एकजुट के सब चीजों पे नजर बनाए रखेंगे, सिर्फ सरकार ही कितना करेंगे, तो हमें सबको एकजुट होने की जरूरत। हमारे पास सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है और अगर हम जागेंगे तभी भ्रष्टाचार कम होगा। आए मिलकर काम करें ताकि हमारा पैसा सही जगह खर्च हो और हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। जब जागेंगे हम तभी थमेगा भ्रष्टाचार।